टीम इंडिया के लिए एशिया कप का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट का सीजन आगे भी चलता रहेगा। 10 सितंबर से भारत में रूड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज के रूप में नया टूर्नामेंट शुरू होना है। हालांकि इसमें आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े नाम नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट के जाने माने सितारे इसमें अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस टूर्नामेंट से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में, आखिर कब और कहां आप देख पाएंगे इन मुकाबलों की लाइव कवरेज को। उत्तर प्रदेश के उद्योग नगरी कानपुर में कल से यानी 10 सितंबर से रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज का आगाज हो रहा है, जिसमें विश्व के एक से बढ़कर एक क्रिकेट के धुरंधर अपनी चमक ग्रीन पार्क स्टेडियम में बिखेरते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज की शुरुआत कानपुर में इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवाते हैं। दरअसल जब T20 रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज कराने का फैसला किया गया था तो सबसे पहले मैच की शुरुआत कानपुर शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से तय किया गया था। बता दें 10 सितंबर से ये सीरीज शुरू होगी और 15 सितंबर तक होने वाले सभी मैच कानपुर में ही होंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम में मीडिया सेंटर में जब रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज कॉर्पोरेट के प्रमुख अनस बकाई ने बताया कि जिस तरीके से इस क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज को कराया जा रहा है उसका मकसद लोगों में सड़क पर चलने के समय किस तरीके से एहतियात बरतें और दुर्घटना होने पर कैसे लोगों की मदद करें, ये मैसेज पहुंचाना मुख्य मकसद होगा। क्योंकि जब ये वर्ल्ड सीरीज टेलीविजन पर आएगी जिसमें इंडिया के पुराने दिग्गज खिलाड़ियों समेत विदेशी खिलाड़ी भी नजर आएंगे, मैच के दौरान जो भी ब्रेक आएंगे उनके जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कानपुर के अलावा रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज के अन्य मैच इंदौर, देहरादून और रायपुर में खेले जाएंगे। कानपुर को इस रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज के मैचों की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि बीते कई दशकों से जिन खिलाड़ियों को दर्शकों ने मैदान पर नहीं देखा है वो खिलाड़ी मैदान पर होंगे, जिनमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, ब्रायन लारा, जॉन्टी रोड्स, रॉस टेलर, सनत जयसूर्या, ब्रेटली जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस सीरीज में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। सोमवार को रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज 2022 का पूरा स्केड्यूल घोषित कर दिया गया है, जहां पहला मैच इंडिया लेजेंड्स और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के बीच में खेला जाएगा। कानपुर के बाद 17 से 19 सितंबर के बीच इंदौर में मैच होंगे। इसके बाद 21 से 25 सितंबर के बीच 6 मुकाबले देहरादून में खेले जाएंगे, वहीं फाइनल और सेमीफाइनल समेत 5 मैच रायपुर में कराए जाएंगे। बता दें इस टूर्नामेंट में कुल 23 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले आईपीएल की तरह ही 2 समय पर खेले जाएंगे, जब जिस दिन एक मैच खेला जाएगा उस दिन शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और जिस दिन 2 मैच होंगे उस दिन का पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं इन सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट और आप कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स और स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर देख सकते हैं, जबकि इन मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो टीवी और वूट पर भी उपलब्ध होगी। आपको बता दें रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज 2022 में न्यूजीलैंड लेजेंड्स, इंडिया लेजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, श्रीलंका लेजेंड्स, वेस्ट इंडीज लेजेंड्स, दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स, इंग्लैंड लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स की टीम भाग ले रही है और यहां सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया की टीम अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों आप इस लीग में किन खिलाड़ियों को ग्राउंड पर वापसी करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।